नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोबिया की सब्जी, जिसे हम काफ़ी सिंपल तरीके से बनाएंगे, बट बनने के बाद ये काफ़ी स्वादिष्ट लगती है, जिसे चवली की फली भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं लोबिया की सब्जी को कैसे बनाया जाता है। लोबिया की सब्जी बनाने के लिए 1 कप लोबिया को मैंने साफ पानी से धोकर रात भर इसे भिगो लिया था। हाथों की मदद से इसे चेक कर लेंगे, ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसे हम पहले प्रेशर कुक करेंगे। कुकर में हम कम से कम 3 से 4 सीटी लगवा लेंगे। कुकर में सीटी लग चुकी थी, प्रेशर भी इसका रिलीज हो चुका है। लोबिया को चेक कर लेते हैं। लोबिया अच्छे से भीगे हुए थे, तो 3 से 4 सीटी में अच्छे से ये पककर तैयार हो जाएंगे। हाथों की मदद से आप चेक कर लीजिए कि कैसे अच्छे से पक गए हैं या नहीं। ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम सब्जी बनाते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम जीरा और राई। जीरा और राई को हम तड़कने देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा था। इसे 1 मिनट के लिए हम चला लेंगे। अब इसमें मैं 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले। सबसे पहले डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल देंगे धनिया पाउडर। मसाले हमारे जले ना, इसलिए डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी। साथ ही डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। आप चाहो तो प्योरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छे से इसे हम तेल, जब तक कढ़ाई तेल ना छोड़ दे तब तक इसे हम पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद कढ़ाई ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए लोबिया। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये सब्जी बनने में काफ़ी सिंपल है, बट ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम पानी। आपको जितनी ग्रेवी थिक रखनी है या पतली रखनी है, उसी आप हिसाब से आप पानी ऐड करें। मैं ना ज़्यादा पतली रखूँगी ना ज़्यादा थिक रखूँगी। और ढक कर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसाले आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी अच्छे से बनकर तैयार है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया पत्ता। बस सब्जी हमारी सर्व होने के लिए तैयार है। आप इसे चपाती और चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हो। दोनों के साथ ही ये सब्जी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहें।